एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो ECS स्वीडन T10 का आज के दिन का यहाँ पर तीसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा क्रिस्टियाना स्ताद सीसी वर्सेस अल्बी जलमी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको इनडेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको करना क्या है, वीडियो जो है आपको लास्ट तक वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और लास्ट मोमेंट अपडेट वहीं पर मिलती है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन होना ज़रूरी है। बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में। 4:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा मार्शा क्रिकेट क्लब स्टॉक हॉलम में। आर्टिफिशियल विकेट है। एवरेज स्कोर 100 से 130 के बीच में बनता है। 46 मैचेस यहां पर हो चुके हैं, 26 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 18 में चेज हुआ है। पहले बात करेंगे KRS की टीम। इनकी टीम ने 5 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं 3 हारे हैं। अभी आज भी इनका एक मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में ओपन किया था ईशानुल्ला वफा और नैज़ अली साहिल। अब देखो, ईशानुल्ला वफा जो है ना, ये ओपन के साथ साथ आपको 1 से 2 ओवर की बोलिंग भी दे रहा है। लास्ट के 5 मैच में 2 विकेट है और बल्ले से 21, 5, 69, 14, 10 हैं। नैज़ अली साहिल है, इसने देखो क्या किया है, 10 हैं, 4 हैं, 21 हैं, 0 हैं और 70 नॉट आउट हैं। आज लोग इसको इग्नोर करके आए थे और इस बंदे ने बहुत अच्छा किया था और वन साइडेड सारे कॉन्टेस्ट विन भी करवाए थे। सैमीउल्लाह गुजेर है। अब ये बंदा जो है, देखो बीच में इसने 2 मैच में बॉलिंग करवाई थी लेकिन उसके अलावा कुछ खास किया नहीं है। 2 रन और यहाँ पर 43 विकेट, लेकिन उसके बाद में 7 विकेट, फिर 5, फिर 0, तो उतना खास प्लेयर मेरे को लगा नहीं। फरीद नाजिर के नाम पर अगर आप देखो तो 7 हैं, 21 हैं, 14 हैं, 6 हैं, 3 हैं, तो इसने भी सिर्फ 1 पारी खेली है। फराज शाह के नाम 5 मैचेस में 1 विकेट है और बल्ले से 2, 46, 5 नॉट आउट, 31, 0, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एन मुलेश है, इसने 56 नॉट आउट की पारी खेली है, बस दिक्कत यह है कि ना नीचे बैटिंग करता है नंबर 6 के करीब, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोमन जहीर के नाम यहाँ पर लास्ट के जो 5 मैचेस हैं उसमें से 3 मैचेस में विकेट लेस हैं, उससे पहले के 2 मैच में 6 विकेट्स हैं। अकमल गोपाल कुछ खास रिकॉर्ड नहीं। हफीजुल्ला सिनवारी के नाम 5 मैचेस में टोटल 8 विकेट हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। साजिद खान ने यहाँ पर 5 मैच में 2 ओवर डाले हैं, उसमें कोई भी विकेट नहीं है। और फरीदुल्ला खवरी के नाम यहाँ पर 5 मैचेस में 4 विकेट्स हैं, हालांकि लास्ट के 2 मैचेस के उतने अच्छे नहीं रहे। यहाँ से आप पिक कर सकते हो आई वफा, एन साहिल, इनके अलावा एस गुजेर, देखो रिस्क लग रहा है मेरे को अब। फराज शाह को रख सकते हो, नोमन जहीर को रख सकते हो, हफीजुल्ला सिनवारी को रख सकते हो, एप खबरी को मैं नहीं रखूँगा। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी अगर खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे एफ शाह, एस सिनवारी, आई वफा, डेथ में आएंगे एन जहीर, यहाँ से एच सिनवारी, एफ शाह। सामने जो टीम है एल बी जलमी की टीम, बहुत सॉलिड टीम, लास्ट के 6 में से कोई मुकाबला नहीं आ रही। ओपन करेंगे इस्माइल जिया और बासिर साहिबी ने लास्ट मैच में ओपन किया था जो इनका हुआ था, लेकिन आज ना यहाँ पर 4-5 चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा इनका, क्योंकि पहला मैच अभी स्टार्ट हो चुका है 2:30 बजे और उसमें कौन कौन से चेंज है वो आपको बताऊंगा। इस्माइल जिया अच्छा प्लेयर है, 2 हैं, 102 नॉट आउट हैं, 11 हैं, 30 हैं, 65 हैं, 14 हैं। बासिर साहिबी आज का जो पहला मैच का लाइनअप आया ना उसमें नहीं है और इसने कुछ खास किया भी नहीं है। आजम खलील बहुत अच्छा प्लेयर है, लास्ट के 6 मैचेस में टोटल 5 विकेट, बल्ले से 8, 20, 71, 82 नॉट आउट, 0, 30 हैं। यहाँ पर जबीउल्ला नियाजी, इसने 2 अच्छी पारी खेली है 49, 39 की, उसके अलावा 1, 8, 2 हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। सेमी खलील के नाम 54, 4, 28, 20 नॉट आउट, 5, 12 हैं। मसाल खान के नाम 6, 9 बैटिंग, 8, 0 विकेट, 9 बैटिंग, 25 नॉट आउट हैं, बॉलिंग करवा नहीं रहा, बैटिंग करता है, बैटिंग नीचे करता है। कुदरतुल्ला मीर अफजाल है, ये बॉलिंग करवाएगा आपको और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। लास्ट के 6 मैच में 6 विकेट, बल्ले से 5 नॉट आउट, 2 नॉट आउट, 0 नॉट आउट, 16 नॉट आउट, 58 नॉट आउट हैं। जावेद जाउजाई के नाम लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 13 विकेट हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। अद्वैत दाबे लास्ट मैच खेला था वहाँ पर 1 ओवर में 1 विकेट था। हमजा बेग भी लास्ट मैच खेला विकेट लेस था और असद पंदयार भी खेला था, लेकिन आज का जो पहला मैच है ना उसमें तीनों ही बंदे नहीं खेल रहे। न्यू प्लेयर्स कौन कौन से आज के मैच में खेल रहे हैं, 5 प्लेयर चेंज हुए हैं टोटल, 7 नवाज यहाँ पर खेल रहे हैं जो भी पहला मैच स्टार्ट हुआ है उसकी बता रहा हूँ मैं। और इसने क्या किया है, देखो ये ना कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग कराता है, इसने ना 5 मैच में यहाँ पर जो इसने खेले हैं उसमें 4 ओवर डाले हैं और 2 4 विकेट है और बल्ले से 29, 15, 0 हैं।
कामरान रशीद भी खेल रहा है 5 मैचेस में, इसके नाम यहाँ पर 8 विकेट्स हैं। बिलाल खतक भी खेल रहा है, इसके नाम क्लब T20 में 31 मैच में 451/19 का एवरेज, 0 विकेट है। कासिफ अली का रिकॉर्ड नहीं है। और सनुक कैप्तियावा भी खेल रहा है T10 में 3 मैच में 0 विकेट है, और क्लब T20 में 39 मैच में 725/37 विकेट है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि टीम इनको कितना रोल देती है, किसको, बाकी कोई प्लेयर नहीं खेल रहा अभी के लिए। देखो मैं यहाँ से पिक करके चलूँगा टीमें, इस्माइल जिया, आज़म खलील, इनके अलावा कुदरतुल्ला, मीर अफजाल, जाऊद दाऊदजाई, और इसके अलावा मैं सैमी खलील को रख रहा हूँ। अभी मैं यही प्लेइंग 11 मान के चल रहा हूँ जो बेंच पर प्लेयर है, इनमें से के रशीद को आप पिक कर सकते हो। बाकी इनके तरफ से लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पर स्टार्टिंग के वो डाले थे ए मलिक ने डाले थे, जे दाऊदजाई, एच बेग ने डाले थे, डेथ में आए थे एच ए दाबे, ए खलील और क्यू मीर अफजाल। एनालिसिस वाला पार्ट जो था इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करूँ उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई ये सिर्फ डेमो टीम रहती है, ये फाइनल टीम नहीं रहती। फाइनल टीम आपको मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आपको देखो ऑफिशियल लाइनअप मिल जाएगा, और जो भी न्यू प्लेयर्स खेलेंगे उनके स्टैट्स भी मिलेंगे और फाइनल टीम भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पर रखा है आई जिया, एन साहिल, यहाँ से रखा है एस खलील, ऑलराउंडर सेक्शन से ए खलील, क्यू मीर अफजाल, एच फराहत, इनके अलावा आई वफा, बॉलिंग सेक्शन से एस सिनवारी, जे दाऊदजाई, के रशीद और एन जहीर। ये मेरी अभी के लिए डेमो टीम है, कैप्टन आजम खलील, वाइस कैप्टन ईशानुल्ला वफा। लेकिन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।